और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए प्रमोशन से रिलेटेड बिल्कुल जो है लेटेस्ट खबर है और बिल्कुल जो है 100% वेरीफाइड खबर है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर अनुदेश में मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर साफ साफ दिया गया है स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम तथा अंक निर्धारण किया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2020 के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। पर स्नातक पूर्वाध छात्राओं को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में संपन्न होने वाली उनकी पर स्नातक की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन के पर स्नातक पूर्वार्ध का परीक्षा परिणाम तथा अंग निर्धारण किए जाएंगे। दोस्तों अब मैं यहां पर बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो आप कायदे से मेरी बात को समझिए। यानी अगर आप 12th इस साल आपने 2020 में 12th पास किया था और 2021 में आपने एडमिशन लिया था 2020 में आपने एडमिशन लिया था माफ़ कीजिएगा 2020 में आपने एडमिशन लिया था राम मनोहर लोहिया के फर्स्ट ईयर में, आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, कोई भी फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो उनको 2021 में परीक्षा नहीं देनी है, वो प्रमोट होंगे 2021 में। अब यहाँ पर बात ये आएगी तो उनको नंबर कैसे मिलेंगे, तो नंबर आप जब फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे उसके बाद आप जो है नवंबर दिसंबर में जब आपका सेकंड सेशन यानी कि आपका सेशन न्यू सेशन चलेगा और न्यू सेशन की पढ़ाई करके आप जब सेकंड ईयर के पेपर देंगे और सेकंड ईयर का जब रिजल्ट आपका आएगा यानी कहेंगे मतलब जब दूसरे वर्ष का यानी फर्स्ट ईयर में आप समझ लीजिए यूँ ही आप प्रोन्नत हो गए और सेकंड ईयर में जब आप पेपर देंगे और जो पेपर में आपके नंबर आएंगे मान लीजिए आपके 70% नंबर आते हैं ओवरऑल मिला के सेकंड ईयर में, तो 70% के आधार पर आपको जो है फर्स्ट ईयर में भी 60-70% के बीच में नंबर दिए जाएंगे। ये कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए क्या जो है संभावना है, यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं जो इस बार सेकेंड ईयर में थे यानी कि फर्स्ट ईयर पास हो चुके थे अगली बार पेपर देकर जो अगली बार पास हुए थे और इस बार सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुँच जाएंगे और उनका रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर के हिसाब से बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी सेकेंड ईयर का है और फर्स्ट ईयर में उसने मान लीजिए 50% अंक स्कोर किया फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में इस बार था लेकिन इस बार परीक्षा हुई नहीं, अब वो थर्ड ईयर में पहुंच गया तो उसको सेकेंड ईयर में भी 50% अंक के आसपास दे दिए जाएंगे और थर्ड ईयर के तो आपके पेपर होने हैं वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट है, मैं वो पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया स्नातक तृतीय वर्ष तथा परिस्नातक उत्तरार्ध की परीक्षाएं दिनांक 21/7/2021 से 13/8/2021 के मध्य संपादित की जाएंगी, विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो ये है 21/7 से आपके पेपर होने हैं इसका जो है परीक्षा कार्यक्रम आपका वेबसाइट पर अपलोडेड है और वहाँ से आप जो है परीक्षा का अपनी डेट और स्कीम जान सकते हैं। दोस्तों मेन जो प्रमोशन की न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब आपको अगर अब भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर आपको भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई भी छोटी से बड़ी अपडेट जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जैसे ही कोई छोटी से बड़ी खबर आए तो आपको मिल जाए। धन्यवाद।